वेलकम बैक पीपल। तो आज हमारा हिंदुइज्म के अंडर इंटीग्रल योगा का लास्ट टॉपिक रह जाएगा। सो इंटीग्रल योगा में हमें सबसे पहले ये देखना है कि श्री औरोबिंदो, जो कि एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर रहे थे अपने टाइम के, तो उन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन और इंटीग्रल योगा की फिलॉसफी दी है। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज़ बोली थी कि हर व्यक्ति जो है वो इवॉल्व करने का केपेबल होता है, लेकिन वही लोग उसे अचीव कर पाते हैं जो उसके लिए एफर्ट्स डालते हैं। यहाँ पे हम किस तरीके के एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक मेटाफिज़िकल एनर्जी तक अपने आप को लेके जाना, मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, नाउ इन्होंने ये बताया कि लिटरल मीनिंग जो है योगा का, उसका मतलब है यूनियन। यूनियन मतलब जुड़ाव, किसका? जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ाव, उसे हम योगा कहते हैं। और ये जुड़ाव हम कैसे कर सकते हैं? जब हम अपने शरीर और मन को इंटीग्रेट कर लें, तभी हम एज अ जीवात्मा परमात्मा से जाके मिल सकते हैं। नाउ श्री औरोबिंदो साथ ही साथ यूनियन को ये चीज़ बोलते हैं कि ये एक पाथ ही नहीं है, बल्कि ये एक डेस्टिनेशन भी है, हमें कहाँ तक पहुँचाने की, हमारे सुपर कॉन्शियसनेस तक ले जाने की। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि इन्होंने बोला है कि इंडिविजुअल का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। और इन्होंने ये बोला था कि जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है, तब वो बहुत ही अनअवेयर स्टेट में होता है, तब वो उसके अंदर नॉलेज की कमी होती है और उसे एक्चुअल रियलिटी, अपनी अल्टीमेट रियलिटी पता नहीं होती, ना ही उसे अपना लाइफ का पर्पस पता होता है। इन एडिशन जब वो इस दुनिया में रहने लग जाता है, वो एक्सपीरियंस करता है अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, और अपने दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स उसके ख़राब होते हैं, अच्छे होते हैं, ये सब चीज़ें जब होती हैं उसके साथ, तब उसे फील होता है कि हाँ मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको खुद को डिस्कवर करना है, ताकि आपके अंदर का जो एक डिवाइन नेचर है, आप उसे अनकवर कर पाओ। ठीक है, और आप जान पाओ कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग इस धरती पे क्यों आए हो, आपका गोल क्या होना चाहिए और आप क्या कर रहे हो। इस चीज़ के लिए इन्होंने तीन प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन दिया, जिसको हम ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अब ये तीन तरीके का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे हम सबसे पहले साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, फिर स्पिरिचुअल, और लास्ट में सुप्रा मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम एज एन इंडिविजुअल सबसे पहले अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, इन सब पे काम करना शुरू कर रहे हैं, और धीरे धीरे अपने एक्चुअल सोल को या अपनी आत्मा को पहचान रहे हैं। ठीक है, हमें धीरे धीरे समझ आने लग रहा है कि कौन सी चीज़ें रियल हैं, कौन सी अनरियल हैं, और बेसिकली ये हमारा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फाइन, हम धीरे धीरे अपने ट्रू सेल्फ से सोल की तरफ जा रहे हैं और आत्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्योंकि हमने अपने साइकिक चेंजेस कर लिए हैं, तो हमारा जो माइंड है वो एक्सपैंड करेगा, उसमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे, कुछ ऐसी नॉलेज आएगी, और साथ ही कुछ ऐसे इंट्यूशंस होंगे जो बिल्कुल सच होंगे। धीरे धीरे व्यक्ति उस लेवल का पहुंच जाएगा कि वो जो भी चीज़ें सोचता होगा वो सच में रियल हो जाती होंगी उसके सामने, या फिर जो भी चीज़ होने वाली होती होगी वो उससे पहले से ही पता हो जाती होगी, या उसका उसके उसे इंट्यूशन होने लग जाता होगा। लास्ट आता है मेरे पास सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि सबसे रेडिकल चेंज है, जहाँ पे इंसान या उसका मन या उसकी बॉडी, हम कह सकते हैं, वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर चुकी है और उसे अपने उस डिवाइन नेचर की आइडेंटिटी हो चुकी है कि एक्चुअल में वो है क्या, वो था क्या और वो क्या बन गया था। तो इसको हम एज अ स्टेट ऑफ मोक्ष की प्राप्ति भी बोल सकते हैं। लास्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार रिपीटेडली पूछा जाता है, कि आपसे ये सीक्वेंस पूछा जाता है इंटीग्रल योगा का, कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन
टेक प्लेस करता है, तो इसको हम एक बार ज़रूर देख लेंगे। कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे पहले साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई थी, जहाँ पे हम अपने आप को धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा फिज़िकल बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, फिर हम आएंगे अपने वाइटल बॉडी पे या वाइटल ऑर्गन्स पे, उसके बाद आता है हमारे माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन, फिर आता है हमारा सब कॉन्शियंट, जिसे हम सब कॉन्शियस भी बोल सकते हैं, और लास्ट में फाइनली हम अपने अनकॉन्शियस या इनकॉन्शियंट को भी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सो फाइनली इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।